कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। एमएल बिंद्रू हमारे, अजय भारती हमारे, बंटू जी हमारे, बंटू जी हमारे, एमएल बिंद्रू हमारे, एमएल बिंद्रू हमारे, हमारे आवाज दो। सेवा करते थे उन उस जैसे इंसान, नेक इंसान को भी उन्होंने नहीं बख्शा। ये सब लोग इंसानियत के खिलाफ है। ये जो वहाँ पे कश्मीरी कश्मीर में बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टीज है, जो अक्सर सेकुलरिज्म और कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, आज उनका मुंह बंद क्यों है? क्या वो एक कंडोलेंस दे के इस मामले को ख़त्म करेंगे? हम भारत सरकार से ये मांग रखते हैं कि इसका जो काज रूट है, जब तक आप उस रूट में नहीं पहुँचेंगे, ये हमें थट करना चाहते हैं दोबारा कि कश्मीरी पंडित फिर से वापस ना बसे। आपने देखा पिछले डेढ़ साल में कम से कम 15 लोगों को मौत के घाट उतारा गया, उसमें से माइनॉरिटी के माइनॉरिटी सब लोग थे। ये इस चीज़ से ये मैसेज देना चाहते हैं कि कहीं ये वापस ना आए। भारत सरकार ने डिस्ट्रेस सेल के लिए जो भी नया पोर्टल निकाला, ये इन लोगों को पता है कि जो भी एनक्रोच हमारी लैंड हो गई, कहीं ये उस लैंड को दोबारा से वापस न ले और दोबारा से बसने ना आए। लिहाजा हम इस टाइम ये मांग रखते हैं कि जितने भी माइनॉरिटी के लोग कश्मीर में रह रहे हैं, खासकर हमने नौजवानों ने जो इनिशिएटिव लिया था 2010 में कश्मीर जाने का, आज जो हमारे भाई बहन लोग वहाँ पे रह रहे, हमें बड़ी चिंता लगी रहती है। सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कहीं अगर किसी और के साथ ऐसी वारदात हुई तो इसकी जिम्मेदार केवल और केवल सरकारें होंगी और कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज होंगे, जो जिस टाइम भी बात करते हैं उनको समझ नहीं आता हम क्या बात करें, और उसी वजह से उनकी रिएक्शंस और कश्मीर में जो उग्रवाद पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से पनप रहा है, उसको और पनपने के लिए कुछ एजेंसीज वहाँ पे काम कर रही है, कुछ अलगावाद के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जब तक भारत सरकार ऐसी ताकतों को नेस्त नाबूद नहीं करेगा, ये कश्मीर ऐसा ही बॉयल होता रहेगा। क्या हम 32 साल के बाद भी घर जाने की चाहत नहीं रख सकते हैं? इसे साफ जाहिर होता है कि वो नहीं चाहते हम वापस जाए। इसलिए हमारी मांग है, जितनी भी माइनॉरिटी के लोग रह रहे हैं, लेबर तबके के लोग बिहार से, राजस्थान से, यूपी से कश्मीर में आके उन लोगों की सेवा में लगे हैं, हम उनके ऊपर भी ये मांग रखते हैं कि उनकी सिक्योरिटी का प्रबंध भारत सरकार जल्द से जल्द करे।